आज से 20,000 साल पहले हमारी धरती पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। हमारी धरती 3 किलोमीटर ऊंची बर्फ से ढकी हुई थी। आज के शो में हम जानेंगे कि आइस एज क्यों आती है और अगली आइस एज कब आएगी। धरती पर आइस एज आती जाती रहती है। इन आइस एज को हम मिलिनकोविच साइकिल से समझ सकते हैं। इस साइकिल को मिल्यूटिन मिलिनकोविच ने समझाया था। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी धरती पर सर्दी और गर्मी मौसम में कैसे बदलाव आते हैं। हमारी धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है और सूरज के आसपास भी घूमती है। धरती इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के आसपास घूमती है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी में बदलाव आते रहते हैं। और हमारी धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसी के कारण सूर्य की रोशनी में भी बदलाव आते रहते हैं, जिसकी वजह से ठंड और गर्मी देखने को मिलती है। मिलिनकोविच ने आइस एज आने के 3 कारण बताए। समय के साथ साथ हमारी धरती का इलिप्टिकल ऑर्बिट में बदलाव आते रहते हैं। हमारी धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। धरती का झुकना समय के साथ बदलता रहता है, जिसके साथ रोशनी में भी बदलाव आते हैं। समय के साथ हमारी धरती की एक्सिस भी घूमने लगती है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी में बदलाव आने लगते हैं। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती को गर्म करने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की यह खूबी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को ऑब्जर्व करती है। कई बार यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हमारी धरती पर कम होने लगती है। लाखों सालों में धरती पर ऊपर के चारों कारणों के साथ ऐसी संभावना आ जाती है कि सूर्य की रोशनी या गर्मी हमारी धरती तक नहीं आ पाती है, जिसके कारण धरती पर बर्फ जमा होने लगती है। बर्फ की एक यह खासियत होती है कि बर्फ सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। इस रिफ्लेक्शन के कारण जितनी सूर्य की ऊर्जा धरती पर आ रही है वह भी कम होने लगती है। फिर धीरे धीरे धरती पर बर्फ और ज्यादा बढ़ने लगती है और धरती बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चला कि धरती बर्फ से ढकी हुई थी। आइए जानते हैं आइस एज आने के प्रूफ। नंबर 1, बर्फ का अपना वजन होता है। यह बर्फ धरती की जमीन पर कुछ निशान छोड़ती है। धरती पर कई जगह निशान मिले, खास करके कनाडा में। नंबर 2, फॉसिल्स। जानवर के फॉसिल्स से आइस एज का पता किया जा सकता है। जैसा क्लाइमेट होता है वैसे ही वहां के जानवर भी होते हैं। नंबर 3, जब भी बर्फ बनती है तो बर्फ में बुलबुले भी दब जाते हैं। इन बुलबुलों से साइंटिस्ट ने आइस एज का पता लगाया। अब आखिरी सवाल, धरती पर अगली आइस एज कब आएगी। समय के साथ हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग रहा है। ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। समय के साथ बर्फ बहुत ज्यादा पिघलने लग रही है। समुद्र में पानी का स्तर भी बढ़ने लग रहा है। इस हिसाब से जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अब धरती पर आइस एज हमें देखने को नहीं मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।